So what's up everyone, this is the 19th video और काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि प्रोबेबली मुझे टाइम नहीं मिला। और इस वीडियो में हम डेटा डेफिनेशन यानी कि वेरिएबल्स को देखेंगे और लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज में अगर आपने वेरिएबल डिफाइन करना है तो उसका एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है। आप किसी भी किस्म का वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो उसका एक खास सिंटैक्स है जिसमें आप लिखेंगे तो वो वर्क करेगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इसके डेटा किस तरह डिफाइन करते हैं, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस में वेरिएबल को उसकी टाइप्स पे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब हमारी सी लैंग्वेज में देख लें या जावा में देख लें तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है, हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में इस तरह का कुछ नहीं होता, बल्कि उसके अल्टरनेटिव वे असेंबली लैंग्वेज में कुछ इस तरह होता है कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी टाइप इस चीज़ से डिफाइन होती है कि वो कितनी मेमोरी ले रहा है। मतलब वो एक बाइट का वेरिएबल है, वो एक वर्ड का वेरिएबल है, वो डबल वर्ड का वेरिएबल है, एंड सो ऑन। सो अगर आपके पास कुछ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पड़ी है तो उसके अंदर आपने इंटीजर स्टोर किया, उसके अंदर आपने फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर किया या स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर किया, उससे असेंबली लैंग्वेज को कोई सरोकार नहीं है। सो सबसे पहले तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपका डायरेक्टिव का नेम आता है, जो भी आपने नेम रखना है वेरिएबल नेम। डायरेक्टिव इनिशियलाइजर उसकी टाइप होती है और कॉमा इनिशियलाइजर। इनिशियलाइजर जो होता है ये बेसिकली वो पहली वैल्यू होती है जो आपने वेरिएबल को देनी है। अच्छा, अगर हमने फॉर एग्जांपल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करना और हम चाहते हैं कि हम वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर ना करें जब उसको हम बनाएं, तो हम इनिशियलाइजर की जगह क्वेश्चन मार्क का साइन डाल देंगे। तो उससे होगा ये कि ये जो डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट है ये एक वेरिएबल तो क्रिएट कर देगा लेकिन उसकी वैल्यू जो होगी वो गार्बेज होगी। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ पर्टिकुलर टाइप्स हैं जिनसे ये डिस्टिंग्विश होता है, मैंने जैसे बताया था आपको कि ये असेंबली लैंग्वेज जो है वो नंबर ऑफ बाइट्स पे डिफाइन करती है कि वेरिएबल की टाइप क्या है। सो डी बी डिफाइन बाइट यानी कि 8 बिट का जो इंटीजर होगा। अब डी बी जो है इसके अंदर इंटीजर भी आ सकता है, इसके अंदर स्ट्रिंग भी आ सकती है, दैट डजंट टेक एनीथिंग मच फर्दर क्योंकि असेंबली लैंग्वेज सिर्फ मेमोरी को कंसिडर करती है। डी डब्ल्यू स्टैंड फॉर डिफाइन वर्ड। अब वर्ड जो होता है वो 16 बिट का होता है और ये मशीन टू मशीन भी वेरी करते हैं क्योंकि हम 8086 का कंपाइलर यूज कर रहे हैं, तो इसकी असेंबली लैंग्वेज जो हम यूज कर रहे हैं वो बेसिकली सिर्फ 8086 के लिए बनी थी। ये एक प्रोसेसर का नाम है 8086 और उसके अंदर ये चीजें यूं हैं। डिफाइंड डबल वर्ड जैसे क्लियर ही है कि 16 का डबल 32। क्वाड वर्ड, क्वाड का मतलब 4 होता है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 बिट्स। डिफाइंड 10 बाइट्स। अब एक बाइट 8 बिट्स की होती है तो 10 बाइट्स अगर हम करेंगे तो 80 बिट की हो जाएंगी। सिंपल इनफ। अच्छा, उसके अलावा जो ये बताया हुआ कि इसकी लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है जो स्टोर हो सकती है। अच्छा, अनसाइंड वैल्यू स्टोर करेंगे तो आपकी पूरी बिट्स 8 बिट्स जो है आपकी वो वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होंगी, इसलिए 255 तक आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साइंड वेरिएबल यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को स्टोर करेंगे तो 1 बिट आपकी आपका साइन स्टोर करने में लग जाएगी, उसकी वजह से आप सिर्फ 127 कैरेक्टर स्टोर कर सकेंगे प्लस के और इसी तरह माइनस के, मतलब -127 से +127 या मेरे ख्याल से -128 से लेके +127 क्योंकि ये 128 इसलिए नहीं है क्योंकि जीरो को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और जीरो को स्टोर करने के लिए वो एक लोकेशन स्टोर होती है। सिमिलर वर्ड का भी यूं केस है, डिफाइंड डबल वर्ड का भी ये केस है। आप उनको स्लो कर लीजिएगा वीडियो को और यहाँ से रोक के देख सकते हैं। मल्टीपल इनिशियलाइजर मैं आपको बाद में समझाता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। और जैसे कि आपको याद होगा .org100 से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, उसके बाद .data लिखते हैं जो कि हम खाली छोड़ भी देते हैं अक्सर, या .data से भी ऊपर हम .stack लिखते हैं, .stack 100h .code, इसको बड़ा कर दूं अगर आपको तो बेहतर लगेगा, और रिटर्न स्टेटमेंट। अच्छा, अब डॉट डेटा जो है हम नॉर्मली इसको एम्प्टी छोड़ते थे क्योंकि हम कोई डेटा डिफाइन ही नहीं कर रहे होते थे, लेकिन इस प्रोग्राम में हम डेटा डिफाइन करेंगे और वो होगा माई वेरिएबल। इसका नाम मैं रखूंगा, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, और इसको मैं डिफाइन करूंगा डबल वर्ड या फिर इसे सिर्फ डिफाइन बाइट करते हैं यानी कि 1 बाइट 8 बिट्स, और इसको
इसको इनिशियलाइज जो मैंने करना है वो मैंने करना है 92h, बल्कि 12h कर देते हैं. इट लुक्स गुड यार, 12h. अच्छा, उसके बाद अब हम करेंगे क्या कि हम मूव की स्टेटमेंट यूज करेंगे. मूव ax माई वेरिएबल मूव bx ax. अच्छा, मूव dl al मूव ah 02 int 21h. अच्छा, तो अब हम इसका कंपाइल करते हैं इस प्रोग्राम को. उसने एरर दे दिया कि आप मूव नहीं कर सकते माई वेरिएबल को ax के अंदर. उसकी रीजन ये है कि जो ax रजिस्टर है वो हमारा 32 बिट का रजिस्टर है, सॉरी 16 बिट का रजिस्टर है, जबकि हमारा माई वेरिएबल जो है वो 8 बिट्स का है. तो जैसे मैंने पहले वीडियोज में आपको बताया था कि मूव इंस्ट्रक्शन सेम अमाउंट ऑफ मेमोरी पे वर्क करती है, तो या तो हमें इसे वर्ड टाइप का करना पड़ेगा यानी 16 बिट्स का करना पड़ेगा, या हम ax की जगह al कर सकते हैं. अब al जो है वो ax का हाफ होता है, यानी कि अरिथमेटिक रजिस्टर लोअर और अरिथमेटिक रजिस्टर हायर. al में ये वैल्यू मूव कर दी. अच्छा, अब ax की वैल्यू bx में मूव हो रही है, इसको रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं है, चलेगी स्टेटमेंट. al की वैल्यू अब dl में जाएगी, उसके बाद ah में 02 मूव होगा और int 21h. रन करके देखते हैं अब क्या एरर है. ओके, उसने एक कैरेक्टर प्रिंट कर दिया. उसकी रीजन ये है कि सबसे पहले इस लाइन, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई कोड की, इस लाइन ने हमारे 12h को al में मूव कर दिया. देन दिस लाइन एग्जीक्यूटेड और इस लाइन ने हमारे ax की वैल्यू को, जो कि प्रोबेबली आई डोंट थिंक सो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अगर हम इस लाइन एग्जीक्यूट हुई al की वैल्यू चेंज हो गई, ax जो था वो 00 ही रह गया, तो ah 00 ही रह गया और al में 12 आ गया, तो ax की एज अ होल वैल्यू भी 12 ही रहेगी, 12h. तो bx की वैल्यू भी 12h हो गई क्योंकि ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई. लेकिन इस लाइन का कोई फर्क नहीं है प्रोग्राम के ऊपर, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि वेरिएबल कैसे क्रिएट होते हैं. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसने क्या किया कि जो al में 12h हमारा स्टोर था उसे dl में मूव कराया. और आपको याद होगा कि ये जो तीन लाइंस हैं ये बेसिकली प्रिंट करने के लिए होती हैं. जो वैल्यू dl के अंदर आप मूव कराएंगे और उसके बाद ये चीज लिखेंगे, तो dl के अंदर जो वैल्यू मूव हुई होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर ASCII वैल्यू में पड़ा होगा वो हमें शो हो जाएगा. तो ASCII कोड अगर आप देखें तो हमने 12h स्टोर किया था, और 12h ये 12 के ये इसका कोड है, ये वाला जो साइन है, आई डोंट नो व्हाट दिस साइन इज कॉल्ड, और ये यही साइन हमारा यहाँ पे भी प्रिंट हुआ है. अगर हम इसको पूरा रन करें प्रोग्राम को, रन ये देखें. अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको मल्टीपल इनिशियलाइजर का भी हल्का सा टच देना था. मल्टीपल इनिशियलाइजर जस्ट लाइक एरेज, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क ये होता है कि एरे में हम एज अ ब्लॉक इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक इंटीजर एरे बनाई है जो कि थ्री साइज किया, तो उसके अंदर तीन इंटीजर स्टोर हो सकते हैं और इंटीजर्स एक ही साइज के होंगे. लेकिन इसमें फर्क यह है कि फॉर एग्जांपल आपने वर्ड टाइप की एरे बनाई है तो आप उसे बाइट टाइप की एरे के तौर पर भी यूज कर सकते हैं. आप अगर आपने बाइट टाइप की एरे बनाई है तो आप उसे एज अ होल वर्ड के टाइप भी यूज कर सकते हैं. इसमें काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस कम है हमारी C++ लैंग्वेज के निस्बत. सो मैं आपको सिर्फ मल्टीपल इनिशियलाइजर आप समझा दूंगा कि कैसे होते हैं, और इसका सिर्फ टेस्ट देना है. और नेक्स्ट वीडियोस में मैं एरे के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा. तो अगर हमने माई वेरिएबल को एक एरे बनाना है तो हमने पहला कैरेक्टर ये डाल दिया 12h. अच्छा, उसके बाद हम टाइप करेंगे 13h 42 प्रोबेबली कैरेक्टर भी आ सकता है, कुछ भी. अच्छा, अब ये होगा क्या कि ये एक एरे बन जाएगी बाइट टाइप की, जिसके अंदर 4 जो है वो एलिमेंट्स होंगे. पहले एलिमेंट में 12h स्टोर होगा, दूसरे में 13h, तीसरे में 42 जो कि डेसिमल का है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा पहले, और उसकी जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी वो स्टोर होगी तीसरे एलिमेंट में, और फोर्थ एलिमेंट में जो आर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी
हेक्साडेसिमल वैल्यू बनती होगी वो, तो आर के कोरिस्पॉन्डिंग हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू बनती है 72। तो तीसरी जो लास्ट हमारा होगा, सॉरी फोर्थ एलिमेंट जो होगा वो हमारा आर होगा और उसकी जगह 72 एट स्टोर हो जाएगा। सो इसको एक्सेस करने का कुछ इसी तरह हम एक्सेस करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे इस कंडीशन को हटा भी दूं, हमें डायरेक्टली जो वेरिएबल की वैल्यू है वो मूव करूं हमारे डीएल में, तो होगा क्या कि जो वैल्यू ये होगी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी चीज होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो अभी हमने क्योंकि बाय वेरिएबल को पास किया तो उसने अगले कैरेक्टर्स को नहीं देखा, उसने सिर्फ पहले कैरेक्टर को जो वेरिएबल का था उसको देखा और उसने उसकी जगह जो भी साइन बनता था उसने प्रिंट कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि ये 13H के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइन है उसको प्रिंट करे, तो उसका एक वे है कि आप प्लस वन कर दें और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में कर दें। अब जब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप ये देख रहे हैं ये वाला साइन प्रिंट हुआ है और इसकी आस्की टेबल में जो वैल्यू है 13 होगी। सिमिलर इज द केस अगर हम यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ तो यहाँ पे जो है वो ये साइन प्रिंट होगा। अच्छा, अब ये साइन इसलिए प्रिंट हुआ है कि अब इस साइन का हम कोड देखते हैं 2A है। अगर आप 2A को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 42 बनेगा, ये वाला 42। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, नहीं भी आई तो ये एरे वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो यार, बता बता के थक गया हूँ। अल्लाह हाफिज़।